तो दोस्तों, अगर अब सैमसंग के डाई हार्ड कोर फैन हो एंड खास करके फैन एडिशन के आने वाले अगर आप फैन हो, तो डेफिनेटली ये चीज एंड ये न्यूज आपके लिए बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज बन सकती है। तो देखिए, मैं भी खास करके सैमसंग का फैन हूँ एंड मेरे पास भी S20 FE हुआ करता था, बट बाद में हुआ गया कि S21 FE को निकाले वो लोग, जो है दोस्तों S22 सीरीज में गायब से हो गए। तो हमें भी ऐसा लगा था कि जो फैन एडिशन सीरीज है वो बंद हो गई, क्योंकि अगर आप देखें 23 के आगे है 22, तो 22 का आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। बट वो लोग सोचे कुछ हो सकता है, मार्केटिंग के बारे में भी हो सकता है, पब्लिक डिमांड जो भी हो, तो फाइनली S23 FE को लॉन्च कर दिया एंड आपको इसी महीने के एंड में देखने को मिल जाएगा सैमसंग स्टोर में। तो दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कुछ हमें मिलने वाला है, थोड़ी बहुत ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले 6.4 इंच जो है आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है 2K रेजोल्यूशन के साथ, 50 मेगापिक्सल जो कि 4K यहाँ पर वीडियो एंड फोटो कैप्चर करने में कैपेबल रहने वाले है, 8GB RAM विद Exynos 2200 प्रोसेसर, 4500 mAh का बैटरी। तो ये जो है दोस्तों, एक चीज यहाँ पर सैमसंग ने बहुत अच्छी चीज करी है जो कि मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था, कि पीछे आपको जो है गोल्डन ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिली, यानी कि पीछे आपको इस बार ग्लास मिल रहा है। दोस्तों, इससे तक क्या चाहिए, क्योंकि फैन एडिशन के साथ बहुत ही भद्दी लगती थी जो प्लास्टिक का पैनल आता था, बट इस बार आपको देखने में जो काइंड ऑफ प्रीमियमनेस भी है वो भी बरकरार रखी गई है। जैसे कि S23 आप हाथ में लेते तो वैसे ही कुछ हद तक आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर कवर को चढ़ाएंगे, कोई भी यहाँ पर जिसको उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है वो यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो जो भी है दोस्तों, यहाँ पर बैक में गोल्डन ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाते हैं, पूरे एल्युमिनियम का फ्रेम है एंड फ्रंट में भी 5 का जो है प्रोटेक्शन दिया गया है। डुअल सिम आते हैं जो कि eSIM सपोर्टेड है एंड IP68 वाटर रेजिस्टेंस अप टू 1.5 मीटर 30 मिनट्स तक वो भी प्रोवाइड किया गया है। डायनामिक एमोलेड 2x 120Hz HDR10+ का सपोर्ट एंड 1450 nits पीक ब्राइटनेस जो काफी अच्छी बात है एंड जो डिस्प्ले साइज है वो तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है एंड PPI डेंसिटी है 403 PPI जो कि ठीक ठाक है एंड एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स 105.1 पे यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेंगे एंड जो Exynos 2200 4nm पे बेस्ट है, ये इंटरनेशनल वेरियंट है एंड इस बार देखने वाली बात ये है कि Exynos में क्या कुछ बड़ी चीज निकाल गई थी, क्योंकि सैमसंग के साथ हमेशा यह प्रॉब्लम पहले भी था आज भी है, जो Exynos प्रोसेसर है वो काम तो ढंग से कर देते कभी कभार, बट अगर आप लॉन्ग टर्म तक यूज करो तो बहुत ज्यादा हीटिंग इशू होता है, काम भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, बट डे टू डे लाइफ के लिए ठीक ठाक है। तो जो भी इस बार आई होप यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है इम्प्रूवमेंट किए जाएंगे। तो 12GB RAM 8GB RAM एंड 256GB/8GB RAM ये दो वेरिएंट में दो वेरिएंट में उपलब्ध होंगे एंड अगर कैमरे के बारे में बात की जाए तो ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिलने वाला 50MP 8MP 12MP। तो 50MP जो वाइड एंगल रहने वाला है विथ OIS सपोर्टेड के साथ 1.8 aperture वाला एंड 8MP जो 2.4 by telephoto लेंस और विथ यहाँ पर 3x एक्स्ट्रा ऑप्टिकल जूम भी दिया गया है एंड अल्ट्रा वाइड 12MP LED फ्लैश HDR पैनोरमा। तो 8K 24fps पे यहाँ पर जो वीडियो कैप्चर करने की क्षमता होंगे एंड 4K/30fps 1080p 3060x120 240fps। अच्छा, वो जो है अलग अलग है, यानी कि आप बोल सकते हो जो स्लो मोशन है या पर अलग से या पर जो FPS को बढ़ाना चाहते हो कर सकते हो। 720p इन 960fps यानी कि सुपर स्लो मोशन में काम करने वाला है। तो जो फ्रंट में दिया गया है दोस्तों 10MP 2.4 aperture के साथ वाइड एंगल जो है सपोर्टेड है, तो देखते हैं सामने जो कैमरा दिया गया है किस तरीके से काम करता है। लाउड स्पीकर विद स्टीरियो एंड जैसे बताया 1KG ट्यून करते 24-bit ऑडियो प्रोसेसिंग एंड साथ साथ ब्लूटूथ 5.3 8 ODP 8GPS ये सारे के सारे फीचर्स हैं एंड टाइप सी ODG केबल तो आता है एंड 45W तक अब यहाँ पर जो है 25W तक सपोर्टेड है। हाँ, 25W तक सपोर्टेड दिया गया है। तो कलर में जो है चारों कलर यहाँ पर उपलब्ध किए गए हैं, एक है क्रीम कलर, ग्राफाइट, पर्पल, इंडिगो एंड बाद में दो कलर भी ऐड होंगे जो कि टैंग्रेन एंड मिंट। मेरे को जो कलर है, कलर में दोस्तों दोनों कलर बहुत ज्यादा पसंद आई है जो कि है क्रीम कलर एंड जो है ग्राफाइट, क्योंकि उसके साथ जो है मेटल बॉडी का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छी चीज लगी है। सो दोस्तों, ये था S23 FE के बारे में कुछ जानकारी जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे जो इसका फैन एडिशन का टैप एंड जो ईयरबड्स आया हुआ था तो उसके बारे में। तो आई होप दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा एंड अपना पर्सनल राय, डोंट फॉरगेट टू शेयर सब्सक्राइब एंड जितना हो सके अपने दोस्तों से शेयर करो। सो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।